Word of the day, nostalgia. Pronunciation, nostalgia, nostalgia, nostalgia. Transcription, nostalgia. Meanings, nostalgia is an affectionate feeling you have for the past, especially for a particularly happy time. Essential meaning of nostalgia is pleasure and sadness that is caused by remembering something from the past and wishing that you could experience it again. A feeling of pleasure and also slight sadness when you think about things that happened in the past. In Urdu or Hindi, maazi ki yaadon mein khona means ye wo feelings hai जो आपके पास्ट में कुछ हुआ था और वो आपको दोबारा से याद आता है या आप उनकी यादों में खो जाते हैं. अब आपकी बेशक वो यादें अच्छी भी हों तो आप थोड़ा सा उनको याद करके मिस करके थोड़े से सैड भी हो जाते हैं और वो यादें बुरी भी हो सकती हैं जो आपके जहन से नहीं जा रही. ये दोनों कंडीशन नॉस्टैल्जिया में आते हैं जब आप घंटों या फ्यू मिनट्स के लिए भी खो जाते हैं. नॉस्टैल्जिया की बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं. कौन कौन सी रीज़न्स हो सकती हैं? मिसाल के तौर पे कोई ऐसा सॉन्ग जो आपने बहुत पहले कभी सुना था और वही सॉन्ग आप दोबारा सुनते हैं कई ईयर्स बाद, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स या सो मेनी ईयर्स, कुछ भी हो सकता है, तो आप फिर उसी मोमेंट में चले जाते हैं. या कोई ऐसी खुशबू, कोई ऐसी फ्रेगरेंस, वो आप दोबारा से एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर आपको वही टाइम याद आ जाता है जब कभी आपने पहले उसको स्मेल आउट किया था. इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको नॉस्टैल्जिया की तरफ लेके जा सकती हैं. कोई ड्रेस हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है. सो आई गेस नॉस्टैल्जिया को आप समझ तो चुके हैं. सिनोनिम्स, लॉन्गिंग, होम सिकनेस, विस्टफुल, ड्रीमी. एंटोनिम्स, हार्ड बॉइल्ड. अब इसे हार्ड बॉइल्ड क्यों कह रहे हैं कि जी बहुत सख्त दिल इंसान है, वो अपने पुराने मोमेंट्स को या फीलिंग्स को याद ही नहीं करता, वो जो है उसके अंदर सेंटीमेंट्स हैं ही नहीं है, उसके अंदर इमोशंस नहीं है, जज्बात नहीं है, समथिंग लाइक दैट. अनसेंटीमेंटल, सिनिकल. अब इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये नॉस्टैल्जिया का वर्ड आया है जो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है. ऑल्दो वी नाउ एसोसिएट नॉस्टैल्जिया विद फॉन्ड मेमोरी, द वर्ड वॉज गोइंग टू रेफर टू एन अनवांटेड मेडिकल कंडीशन ड्यू टू होम सिकनेस. Johns Hofer in 1669 to 1752 was a Swiss physician who named the condition which he identified as a mania. Mania kehte hain pagalpan ko, tied ya divanki ko bhi keh sakte hain. Mania tied to homesickness in Swiss soldier. The most in nostalgia means homecoming, and such sentimental aiding for home during field operation was viewed as a disorder of the brain like हेलुसिनेशन, इमिग्रेंट्स फीलिंग्स वेन दे वर्क आउट ऑफ कंट्री फॉर मेनी ईयर्स. यानी जब कभी कोई आउट ऑफ कंट्री होता है तो वो ही जानता है कि वो अगर फॉर वर्क रीज़न के लिए या किसी भी रीज़न की वजह से वो अपने कंट्री से, या कोई बंदा अपने सिटी से भी बाहर है, कहीं और है, किसी और सिटी में, ये लोग किस किस चीज़ को मिस करते हैं ये सिर्फ उनका ही दिल जानता है. वो किस तरह से अपने रिवायती खानों को, अपने कल्चर को, अपने लोगों को, अपने तमाम जो फंक्शंस, पार्टीज़, ड्रेसेस, सबको कितना मिस करते हैं वो, गैदरिंग्स को कितना मिस करते हैं वो, तो वही जानते हैं इस चीज़ को. तो इसी को कहते हैं हम नॉस्टैल्जिया. और वो उस चीज़ को याद करते हैं और कभी कभार तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और कभी वो उनके लिए खुशी का बाइस बन जाता है. सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट सेंटेंसेस के इसके कौन कौन से सेंटेंसेस बन सकते हैं और किस सेंस में हम इसे यूज कर सकते हैं. अ वेव ऑफ नॉस्टैल्जिया स्वेप्ट ओवर मी व्हेन आई सॉ माय चाइल्डहुड होम. ही वाज फिल्ड विद नॉस्टैल्जिया फॉर हिज कॉलेज डेज, द स्टेट ऑफ बीइंग होमसिकनेस. सम पीपल फील नॉस्टैल्जिया फॉर देयर चाइल्डहुड डेज, या स्कूल डेज भी कह सकते हैं. हियरिंग दैट सॉन्ग अगेन फिल्ड हिम विद नॉस्टैल्जिया. सो फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी याद, कुछ भी आपको नॉस्टैल्जिया में मुब्तला कर सकता है. सो मैं अपनी अगर एक मेमोरी आपसे शेयर करूं तो वो ये है कि आई हैव अ नॉस्टैल्जिक मेमोरी
When I was in grade 2 or 3, I guess, my mother often played her favorite songs on radio in the morning while I was going to school. Now, after so many years, whenever I heard these songs, kabhi bhi experience ho jaye, they will throw me back so many years ago. मतलब बहुत पीछे ले जाते हैं वो मुझे टाइम में, उसी बचपन की यादों में ले जाते हैं. और मुझे ऐसा लगता है मैं अभी भी यूनिफॉर्म में स्कूल जाने के लिए निकलने वाली हूँ. So friends, if you have any nostalgic memory or feelings, let me share it in the comment section. Hope you like this video. So click the bell icon for more notifications. And friends, इसके साथ मैं जाना चाहूँगी. I hope आप nostalgia word को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे. Goodbye.